तो ये सुनिए क्या जबरदस्त एकदम साउंड है दोस्तों। जैसा कि ये साइकिल आप देख पा रहे हैं तो ये आपका जो कैलिपर ब्रेक का साइकिल था, नॉन गियर साइकिल था। तो ये साइकिल को हम जो गियर वाला साइकिल बनाया है, 6 स्पीड गियर इसमें हम इंस्टॉल किए हैं और इसमें हम जो है डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल किए हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये साइकिल में हॉर्न फिट करेंगे, क्योंकि साइकिल में घंटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। साइकिलिंग करने में, साइकिल को चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता, प्रॉब्लम होता है जब भीड़भाड़ इलाका में जब साइकिल को चलाते हैं। तो इसके लिए हम ये साइकिल में जो है हॉर्न इंस्टॉल करेंगे, हॉर्न को फिट करेंगे। तो ये जो हॉर्न है किस तरह से फिट करेंगे, कैसे होगा, सारा चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप अपना साइकिल में हॉर्न इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, तो किस तरह से कर सकते हैं, एकदम ईजी प्रोसेस है गाइस, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके आधा दोस्तों को शेयर करें। साइकिल में हॉर्न फिट करने से पहले क्या क्या सामान का जरूरत पड़ेगा, उसका प्राइस क्या आएगा। एक आपको हॉर्न का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको बाइक शॉप में आसानी से मिल जाएगा, प्राइस का बात करेंगे 150 रुपए का लमसम में आपको मिल जाएगा। इस तरह का एक क्लेम का जरूरत पड़ेगा, उसका प्राइस अगर आपको आएगा 20 रुपए का मिल जाएगा। इस तरह का टेप का जरूरत पड़ेगा, आपको 10 रुपए में 15 रुपए में मिल जाएगा। इस तरह का एक पुशअप स्विच का जरूरत पड़ेगा जो कि साइकिल का हॉर्न का हम जुगाड़ किए। क्लेम को लेना है और यहाँ पर आपको फिट करना, जहाँ पर कैलिपर ब्रेक लगा हुआ आता है। इस तरह से आपको हॉर्न को फिट कर लेना है क्लेम के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं। हैंडल में आपको इस तरह से स्विच को अच्छे से फिट कर लेना है। स्विच फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह का दो क्लिप का आपको जरूरत पड़ेगा जो कि आपको बाइक शॉप में ही मिल जाएगा। इस तरह से हॉर्न में आपको फिट कर लेना है। ये देखिए जितना लंबा आपको इलेक्ट्रिक वायर लेना है उस हिसाब से आपको ले लेना है। तो हम साइकिल का अकॉर्डिंग में इलेक्ट्रिक वायर ले लिए हैं इतना लंबा, दो और हम छोटा वाला वायर एक्स्ट्रा से लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का जैसा कि दोनों वायर देख रहे हैं, तो एक जो है हम इसमें इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वायरिंग कर देंगे, और दूसरा को भी इस तरह से वायरिंग कर देंगे। हॉर्न का जो दो वायर रहेगा, एक वायर आपको जो बड़ा वाला वायर रहेगा उसके साथ में कनेक्ट कर देना है, दूसरा वायर को स्विच का जो वायर रहेगा उसके साथ में कनेक्ट कर देना है, और स्विच का एक वायर और हॉर्न का एक वायर एक साथ में कनेक्ट कर देना है, और फिर टेपिंग कर देना है। फाइनली सारा कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। आप चलिए हॉर्न को बजाते हैं और आप लोग को साउंड सुनाते हैं। ये देखिए क्या हुआ, हॉर्न बज क्यों नहीं रहा। रुको जरा, सबर करो। ओहो गाइस, इसमें हम बैटरी लगाई भी नहीं, तो बजे कहां से। चलिए अब बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो इधर में हमारा ये देखिए 12 वोल्ट लिथियम आयन का बैटरी। ब्लॉग वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ये लिथियम आयन बैटरी हम कहाँ से परचेज किए हैं, कहाँ से खरीदे हैं, तो हमारे राजू जी ब्लॉग चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आप इसे जो है कनेक्शन करते हैं। लिथियम आयन का जो बैटरी होता है बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और कम्फर्ट का अनुसार होता है, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होता है। जो है कनेक्ट कर दिए हैं हॉर्न का साथ में, आप चलिए इसे बजाते हैं। तो ये सुनिए क्या जबरदस्त एकदम साउंड है। तो इस तरह से आप अपना साइकिल में जो है हॉर्न फिट कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन ये लिथियम आयन 12 वोल्ट बैटरी नहीं मिलता था, ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आसानी से आप ये सब सारा सामान खरीद सकते हैं। बैटरी को हम सीट का नीचे यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, तो आपको जहाँ पर ही सुविधा होता है वहाँ पर बैटरी को फिक्स कर देना है और अच्छे से वायरिंग कर लेना है। तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, प्लीज़।